आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने की भी मांग उठने लगी है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने की मांग को लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों जगह को मुक्त कराने के लिए अखाड़ा परिषद सभी हिंदू संगठनों एक करेगा और उसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को लेकर आम सहमति से इस मामले को हल निकालने का प्रयास करेगा और अगर आम सहमति से इसका हल नहीं निकलेगा तो अखाड़ा परिषद कोर्ट का सहारा लेगा। आज प्रयागराज के अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक के सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि हरिद्वार में निर्वाणी अनि, दिगंबर अनि, निर्मोही अनि, जिसको ऊंचाई विभाग की जमीन पिछले कई वर्षों से मिलती आई है, जो मेले के लिए उपयोग में लाई जाती थी, वहाँ पर बनाए गए हनुमान मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके विरोध में अखाड़ा परिषद द्वारा मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही गई है। कोरोना की वैश्विक महामारी में बढ़ रहे संक्रमण के चलते जनवरी 2021 में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले पर संकट देख अखाड़ा परिषद द्वारा मुख्यमंत्री से माघ मेला पर रोक न लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही माघ मेले को बसाने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले पर मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए कठोर कार्रवाई के निर्देश के फैसले का स्वागत करते हुए अखाड़ा परिषद ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है, जिसमें प्रस्ताव पास हुए हैं काशी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञान भावी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वतंत्र कराने के लिए ज्ञान मस्जिद का तोड़ना जरूरी है, न्यायपालिका के साथ संविधान के साथ जो नियम होगा उसके अनुसार हम लोग जाएंगे। यह निश्चित है, अभी वहाँ खुदाई हो रही थी, वहाँ मंदिर के अवशेष मिले, सिद्ध होता है कि हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई है। तो जो मुकदमा वहाँ चल रहा है उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पार्टी बनेगा और बिल्कुल तन मन धन से मुकदमा लड़ेगा और बिल्कुल कोई भी असंवैधानिक तरीका नहीं अपनाएगा। जो संविधान के दायरे में रह करके न्यायपालिका का जो निर्णय है उसका हम लोग पालन करेंगे, लेकिन पूरा विश्वास है कि दोनों जगह हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा, आज नहीं कल आएगा, आएगा निश्चित। माघ मेले में प्रस्ताव पास हुआ है कि माघ मेला पे रोक नहीं लगनी चाहिए, माघ मेला होना चाहिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग माघ मेला करने के लिए तैयार हैं। क्लबवासी भाइयों का जो कि उनका एक नियमित महीना होता है और वो आगे पूजा पाठ करते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो उसके लिए सरकार जो गाइडलाइन देगी उसका हम लोग पालन करेंगे। एक दूसरा ये है कि हमारी जो परिक्रमा है उसका भी हम लोग कम संतों के साथ परिक्रमा करेंगे। यह परिक्रमा पिछले कुंभ मेले में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ने सहयोग से हम लोग किए हैं, उनका हमेशा सहयोग मिलता है, इस बार सहयोग मिलेगा, वह परिक्रमा पूरी होगी। न्यायपालिका पे जो कानूनता है उसमें जाएंगे, पहला प्रयास करेंगे आम सहमति। हम तो सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप लोग आगे हमें पहल करें, ये स्थान आप लोगों का है, आप लोग लीजिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने गलती की है ये मुसलमान कहे युवा गलती हम लोग सुधार रहे हैं। मंदिर तोड़ करके जहाँ मस्जिद बनाई गई, जहाँ मकबरा बनाया गया वो अशुद्ध है, इसलिए हे हिंदू भाइयों लोग, ये आप लोग इसको संभालें, पहला प्रश्न ये रहेगा। लेकिन यदि नहीं सहमति बनती है तो न्यायपालिका, जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए गए लोग, तो न्यायपालिका निर्णय सर्वमान्य होता है, जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा। संगम पास हुए हैं और वृंदावन में अभी हमारी बैठक 15 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें वहाँ भी इस बात की मोहर लगाई जाएगी, कृष्ण जन्मभूमि को वहाँ के जो संत हैं उनसे राय लेकर के कोर्ट में चल रहा मुकदमा, वहाँ भी पार्टी बनेंगे और यह एक मांग कर रहे हैं कि 13 अखाड़ों को जो है जमुना जी किनारे जमीन मिल जाए, तो हम लोग अपने 13 अखाड़ों को वहाँ जो अभी अखाड़े नहीं हैं वहाँ बस जाएं। ये सब बातों को लेकर बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से राम जन्मभूमि को हम लोगों ने आज़ाद कराया, सभी संतों ने मिलकर के, सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर के, इसी तरह से काशी विश्वनाथ और मथुरा को विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ, जितने हिंदू संगठन हैं सबसे बातचीत करके संवैधानिक तरीके से उससे निपटा जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल न्यायपालिका हम लोगों के पक्ष में निर्णय करेगी और ज्ञान भावी जो मस्जिद है, जो कलंक है, वो टूटेगी।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कभी भी पूर्ण नहीं होती है, संविधान में रह करके के दायरे में रह करके बात करती है, काम करती है। हम लोग अपनी मर्यादा के विपरीत कोई काम नहीं करते हैं। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि एक बार दोनों जगहों के लिए आम सहमति का बना प्रयास किया जाएगा। एक निर्णय प्रस्ताव हुआ है, जहां पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां लोग सुनियोजित तरीके से दंगा करा करके हमारे हिंदुओं को हटाना चाहते हैं, वह सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली में जब हम लोग अपना एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए थे तो वहाँ दंगा कराया गया, और ये जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ दंगा करा देते हैं ताकि जो हिंदू कम है वह आप छोड़ जाएं, ये लोग वहाँ कब्जा कर लें, ये नहीं हो पाएगा। ये सरकार अब वो सरकार नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, न्याय करने वाली सरकार है। इसलिए जो लोग इस तरह का सपना देख रहे हैं उनका पूरा नहीं होगा। लव जिहाद का भी यहाँ पास हुआ है, विरोध किया गया है। लोग तमाम मुसलमान जो हैं कभी हिंदुओं का नाम लेकर के हमारी माताओं बहनों को बलवा करके हम शादी कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं, उनको जबरन धर्मांतरण कराते हैं, ये भी गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया है सभी संतोष है। साधुओं की सुरक्षा को लेकर के देखिए, साधु कहीं असुरक्षित नहीं है, यूपी में बिल्कुल असुरक्षित नहीं है। अगर साधु सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र बाल घर घटना आपको याद, जिस तरह संत महात्माओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, यह घटना और किसी प्रांत में नहीं हुई है। इसकी घटना की हम लोग सीबीआई जांच पहले कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। साधु महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, वहाँ की सरकार हिंदू आदि उनके पिताजी थे, लेकिन उनके पुत्रों ने कुर्सी बस जो समझौता कर लिया, अब वो हिंदूवादी नहीं है। वो तो साधु महात्माओं की हत्याएं वहाँ हो रही हैं, इससे वहाँ की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। महाराज जी, बैठक में कितने प्रस्ताव को पास किए गए? प्रस्ताव लगभग 7-8 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन जो मुख्य प्रस्ताव बता दिए कहाँ जी आए हुए दे रहा हूँ अखाड़ों के जो हमारे पदाधिकारी होते वही दो सदस्य शामिल होते। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।